नमस्कार साथियों, नॉलेज VCM YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी यानी कि PLC को आपको CG स्कूल की वेबसाइट में किस प्रकार से आपको इसकी एंट्री करनी है, किस प्रकार से उसकी प्रविष्टि आपको करनी है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सारी PLCs जो है कार्यरत है, जो बच्चों के हित में कार्य कर रही है, चाहे वह TLM निर्माण से संबंधित हो या फिर वीडियो मेकिंग से हो या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित हो। तो उसके लिए अभी एक व्यवस्था पढ़ाई तुहर द्वार की जो पोर्टल है, ऑफिशियल पोर्टल CG स्कूल में आपको एक लिंक एक्टिव उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें आपको जाकर के उक्त जानकारी की एंट्री आपको प्रविष्टि करनी है। उसके पहले चलिए आपको बता देते हैं जो राज्य स्तर से एक मैसेज जारी किया गया है टेलीग्राम के थ्रू यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू। तो चलिए उसमें क्या कहा गया है। यह वह पत्र जारी किया गया है जो आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आपके ग्रुप में आया होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि PLC होता क्या है, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी आखिर क्या है। तो PLC यह एक पेशेवर शिक्षण समुदाय, एक विशेष कार्य वातावरण या क्षेत्र के भीतर सहयोगियों के बीच सहयोगी सीखने को बढ़ावा देने के लिए एक विधि है। इसका उपयोग अक्सर स्कूलों में शिक्षकों को अभ्यास आधारित व्यावसायिक शिक्षण के कार्य समूहों में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो यह होता है हमारा PLC, यानी कि एक दूसरे से संपर्क करके जो भी आपके आप अच्छे से जो कार्य कर रहे हैं उसको शेयर करना, ताकि अन्य शिक्षक साथी भी अपने विद्यालय स्तर पर उसे लागू कर सके। अब बात करते हैं प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का वेब पेज। राज्य में प्रारंभिक स्तर पर विभिन्न प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी कार्य कर रहे हैं। इसके साथ मिलकर कार्य करने एवं सभी सक्रिय साथियों का विवरण एक जगह कंपाइल करने के साथ साथ PLC के द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों का लेखा जोखा रखने एवं एक दूसरे के कार्यों की जानकारी साझा करने एक प्लेटफॉर्म बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के लिए एक PLC का पेज तैयार किया गया है, जो CG स्कूल पोर्टल में एक टैप हमको उपलब्ध करा दिया गया है। इसमें आपको निम्नलिखित जानकारी प्रविष्ट करनी होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, नंबर ए है ए टाइप ऑफ PLC, यानी कि PLC के कुल कितने प्रकार अभी कार्य कर रहे हैं। राज्य में वर्तमान में निम्नलिखित प्रकार के PLC को हम इस पेज में पंजीयन के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, जिसमें नंबर एक है विकास खंड स्तर पर BRC के नेतृत्व में नवगठित PLC जो आधिकारिक है। संकुल स्तर पर मासिक बैठकों के माध्यम से एक दूसरे से सीखने के लिए गठित PLC। नंबर तीन है राज्य स्तर से शाला संकुल कार्यक्रम के अंतर्गत हायर सेकेंडरी शालाओं का एक अधीन गठित PLC जो अभी अभी बनाया गया है, शाला संकुल, जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल के जो स्कूल है उसको उसके अंडर में और स्कूल को शामिल किया गया है, ये भी आधिकारिक हो गया। फिर नंबर चार है हायर सेकेंडरी स्तर पर प्रस्तावित विषय आधारित PLC। और नंबर पाँच है नवाचारी शिक्षकों द्वारा स्वेच्छा से कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर गठित PLC। नंबर छः विषय शिक्षण के अलावा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवर विकास के लिए गठित PLC। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के PLC हमारे राज्य स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, और जिससे हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे शिक्षक साथियों को भी लाभ हो रहा है। नंबर बी है नेम ऑफ PLC फॉर यूनिफॉर्मिटी। विभिन्न स्तरों पर संचालित PLC के नाम इस पेज पर इस प्रकार से पंजीकृत करवाए जा सकेंगे, ताकि नाम के संबंध में एकरूपता हो और उसकी पहचान आसानी से हो सके। फिर है आपका सी डिटेल ऑफ PLC लीडर्स, यानी कि पोर्ट्स, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या सदस्य। नंबर डी है ऑब्जेक्टिव ऑफ PLC, कम से कम तीन उद्देश्य आपको अवश्य लिखे जाने चाहिए। और नंबर ई है आपका माहवार आपके PLC का क्या लक्ष्य है, ये आपको बताना है। फिर है आपका माहवार आपके PLC द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, और आपके PLC का फेसबुक पेज यानी कि वेबसाइट लिंक होना चाहिए, और हमारे PLC से कैसे जुड़े इसके लिए आपको बताना है, फोटो एवं न्यूज गैलरी और BRC या CRC स्तर पर व्यय विवरण। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो PLC से वह हमारे राज्य स्तर पर कार्य कर रहे हैं, संकुल स्तर पर कार्य कर रहे हैं, स्कूल स्तर पर कार्य कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में जो राज्य स्तर से एक आदेश जारी किया गया था, एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया कि अब हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी PLCs का गठन किया जाना है विषय आधारित। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर से लेकर हायर सेकेंडरी स्तर पर विभिन्न प्रकार के PLCs हमारे कार्य कर रहे हैं। तो उनकी जो एंट्री है आपको एग्जाई करने के लिए, कंपाइल करने के लिए CG स्कूल पोर्टल में व्यवस्था कर दी गई है। तो चलिए आगे हम आपको वीडियो में बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप उक्त PLCs की एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों क्या करना है, आपको CG स्कूल की ऑफिशियल पोर्टल में आपको विजिट करना है। इस तरह से जैसे ही हम cgschool.in टाइप करके सर्च करते हैं, तो इसके बाद देखिए हमको
लॉगिन नहीं करनी है, सीधा यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में आपको तीन लाइन दिखाई पड़ रहा है, यह हमारा मेनू है, हमको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम मेनू पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें देखिए लास्ट में आपको दिया गया है PLC बनाएं, तो आपको ये PLC बनाए पे क्लिक करना है। जैसे ही आप PLC बनाए पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर लिखा है प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी PLC। यहां पे दिया है PLC के प्रकार चुने, जिला चुने और PLC का नाम चुने। तो उसके पहले साथियों यहां पर पहले आपको ये करना है नया PLC बनाया, तो आपको ये नया PLC बनाया पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नया PLC बनाया पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर आपको PLC के प्रकार चुनना है, तो यहाँ जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो PLC के प्रकार है यहाँ पे आपको दिया गया है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया विकास खंड स्तर पर नवगठित आधिकारिक PLC, संकुल स्तर पर मासिक बैठकों के लिए संचालित PLC, हायर सेकेंडरी स्तर से शाला संकुल योजना के अंतर्गत गठित PLC जो अभी अभी वर्तमान में ये बनाया गया है 7-10 स्कूल को मिलाकर के, हायर सेकेंडरी स्तर पर प्रस्तावित विषय आधारित PLC, नवाचारी शिक्षकों द्वारा स्वेच्छा से कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर गठित PLC, विषय शिक्षण के अलावा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवर विकास के लिए गठित PLC। तो इस प्रकार से आपको इसमें से जो भी आपके लिए उपयुक्त है उसको आपको इस तरह से चयन कर लेना है। तो जैसे ही हम नया PLC बनाए पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ड्रॉप डाउन से हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, उसमें से चलिए मैं संकुल स्तर पर मासिक बैठकों के लिए संचालित PLC का मैंने चयन किया। चयन करने के बाद इस तरह से हमने बिलासपुर जिला चयन कर लिया ड्रॉप डाउन से। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक का चयन कर लेना है। इस तरह से ब्लॉक चयन करने के बाद अगला जो हमारे सामने ऑप्शंस आता है वह है हमारा संकुल चुने का। तो यहाँ से हम संकुल का चयन कर सकते हैं, इस तरह से अपना संकुल का आपको चयन कर लेनी है। संकुल का चयन करने के बाद इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन दिखाई पड़ती है, जिसमें दिया गया है PLC का नाम PLC CRC खमहरिया मस्तूरी बिलासपुर। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है PLC पद, तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है सदस्य का पद। यहाँ से पद चुने पे आपको क्लिक करना है कि अध्यक्ष है कि उपाध्यक्ष है कि सचिव है कि सदस्य है, इस तरह से आपको चयन कर लेनी है जो भी पद है। फिर वहाँ पर आपको पदाधिकारी का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पर दिया है समुदाय के पदाधिकारी का पता, तो यहाँ पर आपको संबंधित टीचर का पता यहाँ पे आपको टाइप करनी है उसके स्कूल सहित। उसके बाद फिर नीचे में आपको ऑप्शन दिया गया है ये समुदाय बनाए पे क्लिक करें, तो आप ये समुदाय बनाए पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वह आपके समुदाय में ऐड हो जाएगा, आपके PLC ग्रुप में ऐड हो जाएगा। फिर चाहे तो बाद में आप संबंधित शिक्षक का मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करके ये खोजे बटन पे क्लिक करके उक्त शिक्षक को आप खोज सकते हैं, और यदि आप मोबाइल नंबर डालने पर सर्च करने पर उनका नाम नहीं आता है तो आप उनको इस तरह से बताए गए तरीके अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से अपने जो भी आपके PLC है उसकी आपको एंट्री इस तरह से कर लेनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुछ कार्य है जो आपको मासिक करनी है उसकी एंट्री फिर आपको यहाँ पर बारी बारी से करनी है, ताकि राज्य स्तर पर एक साथ आपके कार्यों का कंपाइल किया जा सके। चलिए मैं आपको फिर एक और नया PLC बना करके दिखाता हूँ। इस तरह से नया PLC बनाए पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होता है इस तरह से। तो यहाँ पर आप PLC का प्रकार चुनेंगे जो भी आपके लिए लागू होता है, जैसे कि कोई आपके PLC इसमें लागू नहीं होता है, अब आप स्वेच्छा से कुछ अन्य PLC के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आपको ये लास्ट वाले को क्लिक करना है। जैसे ही आप लास्ट वाले को क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ता है, इसमें आपका जिला का ऑप्शन नहीं आता है। तो फिर आप ये नया PLC बनाए पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नया PLC बनाए पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ता है, जिसमें लिखा है विषय शिक्षण। तो यहाँ पर आपको पेशेवर चुनना है कि आप इस क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं ये वीडियो मेकिंग पे क्लिक कर दिया इस तरह से, तो जैसे ही आप वीडियो मेकिंग पे क्लिक करते हैं तो इस तरह देखिए PLC का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद नीचे में फिर आपको ऑप्शन मिलता है ये देखिए PLC पदाधिकारी का नाम और विवरण। तो यहाँ पर सदस्य का पद चुने से आपको संबंधित का चयन कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको पदाधिकारी का नाम लिखना है, उनका मोबाइल नंबर लिखनी है और यहाँ पर उनका स्कूल सहित फुल पता लिखने के बाद नीचे में ऑप्शन दिया गया है समुदाय बनाए, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप समुदाय बनाए पे क्लिक करेंगे तो वह जो शिक्षक है वह आपके इस PLC ग्रुप में ऐड हो जाएगा, उनका PLC ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद PLC ग्रुप बनाने के बाद चलिए हम फिर अगला बात करते हैं।
जब आप पूरी तरह से अपना PLC ग्रुप बना लेते हैं और यदि आपको उसमें कुछ करेक्शन करना है या फिर आप उसमें कुछ सदस्य आपको ऐड करना है तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है PLC संपादित करें। तो आप जैसे ही PLC संपादित करें पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से एक नया इंटरफेस आ जाता है, जहां से आपको ये PLC का प्रकार का आपको चुनाव कर लेना है, जो भी आपका PLC है इस तरह से। फिर यहां से आपको ड्रॉप डाउन से आपको जिले का चयन कर लेना है, जो भी आपकी संबंधित जिला है। जिला का चयन करने के बाद यहाँ पर PLC का नाम चुनने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप PLC का नाम चुन सकते हैं इस तरह से। चूंकि इनकी एंट्री हो चुकी है इस नाम से यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इस तरह से आपको PLC का नाम चयन कर लेनी है। नाम चयन करने के बाद इस तरह से आपको आगे प्रोसेस करनी है। तो साथियों आज उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के लिए, तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।